your boy. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं फनी इंसान व्लॉग। तो भाई जान, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा दिन सुबह सुबह शुरू हो चुका है। अभी जरा मोबाइल में मुझे, मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। और अभी आपका भाई फुल जूते वूते पहन के तैयार होकर नाश्ता करके बैठा हुआ है। अभी ये टाइम आप देख सकते हैं, 7:11 हो रहे हैं 16 तारीख। तो अभी हम जा रहे हैं वही सौदाबाद वाले शनाख्ती नादरा के ऑफिस, क्योंकि शनाख्ती कार्ड आपने कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि उधर वैसे इतना रश था, जैसे ना कोई राशन वगैरह बट रहा हो, तो इसलिए वहाँ पे तो हमारा काम हो नहीं सका। तो अभी हम जा रहे हैं सौदाबाद वाले, तो अभी सुबह सुबह जाना पड़ेगा टोकन के लिए। तो अभी हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा कितनी देर में बना और कितना जो प्रोसेस है वो दिखाते हैं आपको। तो चले चलते हैं, और जब तक हम पहुँचते हैं आप वेट करें। ये आप देख सकते हैं आपका भाई आ चुका है, बस गली में निकल ही रहे हैं हम, ये गली के कोना पहुंचने वाले हैं, गली के कोने पे। तो अभी बस चिंची में बैठ के फिर हम आपसे मिलते हैं। तक आप वेट करें। 5 मिनट्स लेटर भाई आप लोग देख ही सकते हैं, आपका भाई पहुंच चुका है और इतना रश है इधर। थोड़ी देर इधर वेट करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं तो मम्मा वगैरह भी आ जाती हैं, फिर देखते हैं क्या होता है जब तक आप वेट। तो गाइज़ ये मैं टोकन लेके मैं बैठा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने व्लॉग बनाने का मना किया था। और 1043 नंबर मतलब था 1043। One eternity later. तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली हम घर आ चुके हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्ती कार्ड हमारा बनने के लिए अप्लाई हो चुका है। अभी फॉर्म वगैरह जो मिला है, अब तकरीबन कुछ दिन बाद ही हम, जब तारीख जो हमें बताई गई है उस तारीख को हम लेंगे। तारीख मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन खैर हमारा VIP काम हो चुका है, और अभी बस घर में हम जैसे ही घुसे VIP तरीके से कोसर बिरयानी हमारी आई हुई प्लस रायते के साथ, आप देख सकते हैं रायता ये रहा। तो अभी जल्दी से खा लेते हैं, फिर थोड़ा छत पर हम देखते हैं थोड़ा जो हमारे एक मुर्गी वाली जो एक बच्चे वाली जो मुर्गी है हमारी, उसको हम थोड़ी देर मट्टी वगैरह में फिरते हैं, बहुत दिन हो गए उनको, उसको खोला हुआ नहीं है। तो अभी जल्दी से खा लेते हैं और फिर चलते हैं छत पे, जब तक आप वेट करें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खाना वगैरह खा के मगरिब बोल रहा हूँ, जोहर की नमाज वगैरह पढ़ के मैं फारिग हो चुका हूँ। तो अभी हम चलते हैं छत की तरफ और आपको दिखाते हैं थोड़ी देर अभी खोलने में भी। तो सबसे पहले छत पे चल के गीजर वगैरह देख लेते हैं, चाबी उठा लें, चाबी छत की यहाँ रखी हुई, चाबी उठा लेते हैं हम और अब चलते हैं छत की तरफ। ताला हमने खोल लिया। पहला मुर्गे की आप हालत ये देख चुके हैं, इतनी बुरी हुई भी है ना, इतना बुरा लग रहा है मुर्गा। आप ये देख, मुर्गे की आप हालत चेक करें कैसी हो रही है, मुर्गियों ने क्या कर दिया इसकी हालत। और ये मुर्गी भी थोड़ी सी बस अब सही हो गई है, ऐसे ही लग रहा है कि सही हो चुकी है। इसके सारे आप देख सकते हैं, और बस बाकी मुर्गियां तो वही। मैं अभी तो फिलहाल मुझे अभी थोड़ा मार्केट वगैरह काम से जाना था, तो मैं छत पे ऐसे ही जो कबूतरों के बच्चे हैं हमारे वो मैं देखने आया था। आपको भी मैं दिखाता हूँ, खुद भी देख लूँ, क्योंकि सुबह से हम नादरा के चक्कर में हम गए हुए थे। और आप ये भी देख सकते हैं इधर एक नया कबूतर आया हुआ है, और ये उड़ गया, यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, नया कबूतर ये कोई आया हुआ था, लेकिन ये दूसरा भी है, यहाँ से अभी निकल जाएगा ये। ये चले गया, और बच्चे माशाल्लाह से देखें इतने बड़े हो गए, पर भी इनके आने लग गए। और ये मैं समझ रहा था कि ये जंगली है, लेकिन ये जंगली नहीं है, अपनी माँ पे ही बच्चे गए, कासनी लालवन इनकी माँ थी, वैसे ही बच्चे हुए माशाल्लाह से, बस जल्दी से बड़े हो जाएं इंशाल्लाह। इन्हें भी हम हैंड टेम करेंगे, हमारा भाई भी हमें देख के आ चुका है, ये सेंटर की तैयारी कर रहा है बस ये। और भाई सर बोले थे वो फंक्शन में मैक्रोनी कितने किलो आप करोगे। और गाइस आपको ये भी बताना है, अभी भाई के ना जैसे जो स्कूल में मैं पढ़ता हूँ था, अभी भाई भी उसी स्कूल में है, तो अभी हमारा एक फंक्शन होगा, फनफेयर के नाम से एक फंक्शन होता है, उसमें बच्चे वगैरह स्टॉल शोल लगाते हैं। तो इंशाल्लाह हम भी मैं भी मतलब लगाऊंगा भाई के साथ ही, मैं भाई का हेल्पर ही बनूंगा, स्टॉल भाई लेगा सामान वगैरह, और जो उसकी जो पैसे ही पैसे जो होंगे वो मेरे होंगे, भाई सिर्फ हमारा स्टॉल ही लेगा, बाकी सब कुछ हम करेंगे। तो अभी शायद 25 तारीख तक वो होगा, तो हम देखते हैं, अगर 25 को हुआ तो इंशाल्लाह हम भी स्टॉल लगाएंगे, फुल VIP माहौल, उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग हम VIP वाला करके एक बनाएंगे। अब ये देख सकते हैं ये सारी मुर्गियाँ हमारी एक जगह इकट्ठा हो गई हैं,
एक जगह साथ हो गई है ये। और गाइस ये वाली जो मुर्गी है ना, ये वाली, ये हमारे पास तकरीबन तकरीबन 10 सालों से मुर्गी है ये हमारी, हमारे पास। और ये जो मुर्गी एक उधर गई है, ये वाली, और एक इसके जैसी एक और ये जो मुर्गी है, ये भी, इनको भी तकरीबन हमारे पास 4 साल तो हो ही गए। और ये वाली मुर्गी, ये जो ब्राउन एंड ब्राउन है पूरी, ये भी हम पट्टी लाए थे, बहुत मतलब समझे के 2 महीने की पट्टी हो गई है, इतनी बड़ी हम लाए थे। और अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी है। तो थोड़ी देर में अभी हम मार्केट वगैरह से होके आ जाते हैं, हम थोड़ी देर में अभी मार्केट वगैरह से होके आ जाते हैं, फिर ये चूज़े को हम बाहर भी खोलेंगे। बहुत टाइम हो गया, आप देख सकते हैं इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह चूज़ा, हमने इसको बाहर नहीं खोला हुआ, तो इसको भी बाहर खोलेंगे। ये देख सकते हैं आप इधर से। तो चलें अभी फिर थोड़ी देर में मार्केट का, अगर मैं ब्लॉग बना सका तो मैं ब्लॉग मार्केट का भी बनाऊंगा, वरना आपसे थोड़ी देर में ही मिलते हैं, जब तक आप वेट करें। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैं छत पे आ चुका हूँ, मैं मार्केट वगैरह से फारिग होके, और आप ये देख सकते हैं कि डायमंड भी मेरे साथ ही है। अभी छत पे हम वही घूम ही रहे थे, तो अब खोलते हैं मुर्गी को चूजे समय। तो इसका दरवाज़ा सबसे पहले खोल लेते हैं ताकि बाहर निकल जाए मुर्गी। क्या हो गया, तो मुर्गी को अब हम बाहर निकालते हैं। सबसे पहले ये गाइस मुर्गी को हमने यहाँ छोड़ दिया, हमने अभी बच्चे को भी निकाल लेते हैं। ये गाय इधर ये लड़ने लग गई है, ये देख सकते हैं आप, इनको इधर छोड़ देते हैं, वापस आ गई ये इधर। गाइस ये मुर्गी मसला कर दी है, आप ये देखें ये वाली मुर्गी ये मसला कर दी है, इसको इधर छोड़ देते हैं। बाकी ये भी पता नहीं क्यों बाहर आ गई, इनको भी उधर मट्टी में छोड़ते हैं। आप ये देख सकते हैं ये खेल रहे हैं फुल मट्टी में ये। अभी थोड़ी देर फिलहाल इनको खोले रहने देते हैं, फिर थोड़ी देर में इनको बंद करते हैं, जब तक आप भी देखें मैं भी देखता हूँ क्या करते हैं। और ये मुर्गियां इधर ये लड़ने वापस आ रही हैं, ये अभी देख रहे हैं कितना खुश हो रहे हैं ये मट्टी में। बहुत दिन बाद इनको हमने छोड़ा है, बहुत दिन बाद इनको हमने मट्टी में छोड़ा, तकरीबन 3 हफ्ते हो गए मैंने इनको खोला नहीं था, तो अभी खोला तो आपके सामने ही मट्टी में खेल रहे हैं। थोड़े दिन इनको छोड़ते हैं, फिर आप भी देखें हम भी देखें। आपने देख ही लिया कब से हमने मुर्गी छोड़ी हुई है, तकरीबन आधे घंटे के करीब हो गया। अभी ये मुर्गी को बस हम बंद करते हैं, हम मट्टी में चले जाते हैं, ये खुद बंद हो जाएगी।
ये चूजा रह गया, बस चूजे को हम पकड़ के बंद कर देते हैं। क्या गाइस, आज ये देख सकते हैं ये फाइनली चूजा हमारे हाथ में आ चुका है। माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया ये। भाई भी हमारा हमारे साथ ही आ गया है, तो छोड़ देते हैं इसे अंदर। और भाई साहब हमाद यार ये बंद कर दो, हमाद ये बंद कर रहा है। तो गाइस अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। जरा अभी मैं नमाज वगैरह सर की अजाने हो चुके हैं, तो नमाज वगैरह सर की पढ़ के थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ जब हम वीडियोस बनाएंगे, जब तक आप वेट करो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम वीडियोस वगैरह बना के फारिग हो चुके हैं। नुमान भाई साहब भी आए हुए हैं, हमारा भाई इधर ये रहा, पता नहीं ये बाल बाल बनाने गए हैं। तो बस अब हम जाते हैं अभी नमाज वगैरह पढ़ने, मगरिब की अजान होने वाली है, तो नमाज वगैरह पढ़ के हम सेंटर निकलते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे सेंटर में मिलेंगे, जब तक आप वेट करें। कि आप देख सकते हैं मैं अभी अभी बस सेंटर से घर आया हूँ और आज तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं लग रही है, तो इस वजह से थोड़ा अभी डाउन वगैरह भी हो रहा हूँ मैं। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। अगर आप लोग को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर इंसान को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन भी याद से दबाइएगा, और हमें लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी जियो।